हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एकदम नए तरीके की पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आई होप यह रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यदि आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटे साइज की प्याज को रफली कट कर लिया है, एक इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हूँ। एक टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है और 5 से 6 सूखी मिर्च ली हूँ। सबसे पहले इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक महीन पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए मसाले को हम पीस लेते हैं। मसाले को मैंने महीन पीस लिया है और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मसाले को हम एक साइड में रखते हैं। तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कटोरी बेसन ली हूँ और इसे हम एक बर्तन में डालेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर 150 ग्राम बेसन ली हूँ, आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा हम गर्म मसाला डालेंगे। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तेल डालने से इसकी सब्जी जो है बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे आटे के डो में सान रही हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटे के डो में सान लें। तो इसे गूंदने में मुझे 4 से 5 चम्मच पानी की जरूरत पड़ी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों पर जो बेसन लगा हुआ है उसे भी हम निकाल कर इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मैंने आटे की तरह गूंद लिया है। अब हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और यह अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे लोई बनाएंगे। लोई आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसे हम चिकना करके गोल गोल करके एक प्लेट में रख लेते हैं। मैं यहाँ पर 100 ग्राम पनीर ली हूँ। पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है और थोड़े से पनीर को मैं बचा कर रखी हूँ, इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो सारे बॉल्स को मैंने आगे ही तैयार करके रखा था। अब हम एक एक बॉल उठाएंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक बॉल को लेंगे और इसे हम कटोरी का शेप देंगे और इसमें जो मैंने पनीर का टुकड़ा काट के रखा है उसे एक एक इसमें डालेंगे और लोई को हम बंद करते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बना के तैयार कर लेंगे। फिर एक लोई लेंगे और इसे हम कटोरी का शेप देंगे। इसी तरह से सारे बॉल्स में हम एक एक पनीर डालकर इस लोई को बंद कर लेंगे। तो सारे बॉल्स को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब गैस पर मैंने एक पैन में थोड़े से पानी को आगे ही चढ़ा कर रख दिया था और पानी मेरा अच्छे से उबल रहा है। अब जो मैंने बॉल्स बनाकर रखे थे एक एक कर सारे बॉल्स को हम पानी में डाल देंगे और इसे ढककर हम 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं कि हमारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने जो बॉल्स बना के निकाले थे उसे डालकर उलट पलट कर सुनहरा होने तक भुनेंगे। तो देख सकते हैं क्या हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा और एक तेज पत्ता डालेंगे। जीरा हमारा चटक गया है। अब मैंने एक छोटे साइज की प्याज को बारीक बारीक कट करके रखा है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे।
प्याज जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैंने जो प्याज अदरक लहसुन और टमाटर को पीस के रखा था उसे अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल दे रही हूँ, साथ में ये भी भून जाएंगे। मसाला जो है हमारा अच्छे से भून गया है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम एक उबाल आने देते हैं। तो ग्रेवी में हमारा अच्छे से उबाल आ गया है। अब जो मैंने बॉल्स फ्राई करके रखे थे उसे हम एक एक कर इसमें डालते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने एक पनीर का टुकड़ा जो बचा कर रखा था उसे भी हम इसमें कद्दूकस करके डालेंगे। इस सब्जी को एक बार बना कर जरूर देखिएगा, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे और इसे मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देख सकते हैं कि हमारा सब्जी जो है बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपको एक पीस कट करके भी दिखाती हूँ कि यह कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना है। तो देख सकते हैं कि यह कितना सॉफ्ट बना है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।